हेलो गाइस, तो आजकल ज़्यादा ही ट्रेंड में चल रहा है ड्रेस का मैचिंग का बो बनाने या हेयर बेल्ट बनाना, जिससे ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखने लग जाती है। तो वैसे ही हम ड्रेस का मैचिंग का कुछ न्यू बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे केप बनाई है ड्रेस की मैचिंग की, तो जिससे लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है ड्रेस का। तो पहले हम यहाँ पर पेपर पर कटिंग करेंगे और एक पैटर्न बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर पहले पेपर को बराबर कटिंग कर लेंगे और इस साइड से भी हम इसको बिल्कुल लेवल में हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे चौड़ाई लेंगे। तो नीचे से हम जो केप की जो चौड़ाई लेंगे वो 4.5 इंच लेंगे। यहाँ पे ऊपर से मार्क कर लेंगे। इसके बाद में इसको हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद में जितना आए वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर से हम लेंगे 4.5 इंच, हाफ इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि मार्जिन में चला जाएगा। हम जो केप की लेंथ ले रहे हैं वो हम यहाँ पे 4 इंच ले रहे हैं, उसमें हमने हाफ इंच प्लस किया है और जो चौड़ाई हमने ली है वो 4.5 इंच ली है। अब यहाँ बीच में से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ ऊपर से हम शेप लगाते हुए वी शेप में कट कर लेंगे। जैसे हम नेक कट करते हैं वी की, वैसे ही हम कट कर लेंगे। थोड़ी शेप लगा लेंगे ऊपर की तरफ से, बिल्कुल वी नहीं करना है। हम इसको बीच में से डबल फोल्ड कर देंगे और जो वन साइड जो भी हमें शेप अच्छी लगे उस शेप में हम इसको कट कर लेंगे ताकि दोनों तरफ शेप बिल्कुल सेम रहे। तो यहाँ पे ये पैटर्न बन गया है। अब मैंने यहाँ पे जो कॉटन का फैब्रिक लिया है उसके में मैंने फिजिंग पेपर चिपका दिया है और इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम पैटर्न को रख के मार्क करेंगे। पार्ट यहाँ पे 6 पार्ट कटेंगे बट हम यहाँ पे जॉइंट 5 ही करेंगे। फैब्रिक डबल फोल्ड है इसलिए मैंने यहाँ पे 6 ही कट कर लिए। अब जैसे मैंने मेन फैब्रिक पे ये कटिंग किया है वैसे ही हम लाइनिंग वाले पे भी कटिंग कर लेंगे। सेम ऐसे ही पैटर्न रख के बिल्कुल लेवल में ऐसे ही कटिंग कर लेंगे क्योंकि वो अंदर की तरफ लगेगा तो उसमें कोई प्लस माइनस कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेम ऐसे ही कट करना है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले जो पैटर्न हमने कट किया है उनको हम जॉइंट कर लेंगे। ऊपर से हमने जो वी शेप में गोलाई लगाई है वहाँ से हम सिलाई करेंगे। नीचे की तरफ हमने 4.5 इंच लिया है वहाँ सिलाई नहीं करेंगे, वो नीचे की तरफ आएगा, वहाँ हम फ्रिल ऐड करेंगे। तो इस प्रकार ये ऐसे गोलाई बन जाएगी। अब जो दूसरा वाला पैटर्न है वो भी हम ऐसे स्टिच कर लेंगे और इनको साथ में सिल लेंगे। यहाँ मैंने गलती से दोनों को साथ में सिल लिया है तो हम यहाँ पे 5 पार्ट ही लगाएंगे। तो एक को हम यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि हमने दो दो तो पहले जॉइंट कर लिए थे, अब लास्ट में जो बचा है वो हम एक ही लगाएंगे। तो 5 पार्ट हो गए। तो पहले हम इन दोनों को जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 पार्ट जॉइंट कर लिए हैं। अब इसमें से 1 पार्ट और निकाल के हम इसमें जॉइंट कर देंगे। तो 1 पार्ट हमने निकाल लिया है और यहाँ पे इस जॉइंट कर लेंगे।
यहाँ केप का जो अपर पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लाइनिंग वाले पार्ट को जॉइंट कर लेंगे, जैसे अपर वाले को किया है वैसे ही हम इसको कर लेंगे। ये भी हम 5 पार्ट ही लगाएंगे। अब इसके अंदर डाल के हम यहाँ एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके नीचे की तरफ फ्रिल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच चौड़ी फ्रिल ली है, फिर उसको मैंने फोल्ड कर दिया, तो रेडी है 3 इंच की आ गई है। अब हम इस पे बॉक्स प्लेट बनाएंगे। एक उल्टी तरफ प्लेट डालेंगे, एक सीधी तरफ डालेंगे, तो बॉक्स प्लेट बन जाएगी। पट्टी की जो लेंथ है वो तो 4 इंच मैंने ले ली थी, जो चौड़ाई है वो मैंने विड्थ के अकॉर्डिंग पूरा कट कर लिया। फिर दूसरा जो कट किया उसका हाफ इसमें मैंने जॉइंट कर दिया है। तो विड्थ फैब्रिक की 42 इंच आती है, तो 42 इंच तो मैंने वैसे ले लिया और उसका 42 का हाफ मैंने उसमें और ऐड कर दिया है। तो यहाँ पास पास में हम बॉक्स प्लेट बना लेंगे। अब यहाँ पे हम मेजरमेंट चेक कर लेते हैं और इसको ऊपर की तरफ रख के हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे जॉइंट आएगा तो पहले हम इसको जॉइंट को ऐड कर लेंगे। पहले तो यहाँ जॉइंट पे सिलाई कर लेंगे, उसके बाद में नीचे से सिलाई कर लेंगे। आप इसको फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ हमारी ब्यूटीफुल केप बनके रेडी हो गई है। इसको इसके ऊपर हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे बॉक्स प्लेट पे, और ये ड्रेस के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। कमेंट में ज़रूर बताना केप का वीडियो कैसा लगा, और ऐसी केप की डिज़ाइन और चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।